हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आईसीसी रेवन T20 सीरीज़ का मैच होगा FES वर्सेस GD के बीच में। और इस वीडियो में गाइस हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को हमें यहाँ से स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना, किस प्लेयर को हमें यहाँ से ग्रैंडलिस्ट टीम्स में ट्राई करना, विद जो भी हमारे CBC के इंपॉर्टेंट और डिफॉल्ट प्लेयर्स रहेंगे इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कौन से वे प्लेयर्स हैं जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे, और कौन से वे प्लेयर्स हैं जो बॉलिंग से विकेट्स निकाल कर देंगे। और साथ ही ये भी देखेंगे कौन सी टीम इस मैच को विन करेंगे। तो वीडियोज़ को एंड तक देखो ताकि इस मैच से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में आप डिटेल्स में जान पाओ। और गए सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेंगे। वैसे भी गाइज आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी बात करेंगे यहाँ पर इनकी मैच इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके लिए गाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे फैंटेसी क्रिक फैन टेलीग्राम से जुड़ो। जो भी हमारे ग्रैंड लीग स्मॉलेस्ट की फाइनल टीम्स होती हैं वो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ। और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे ना डायरेक्टली हमारे रियल टेलीग्राम पर जुड़ पाओगे जहाँ पर 9.7 के सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जितने लोग भी टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए अभी जाके जुड़ जाओ फाइनल टीम्स के लिए। बाकी गाइज अभी हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी मैच इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो मुकाबला होगा आईसीसी अरेबियन T20 सीरीज़ का 50 मैच है जो शाम को 6:30 बजे करीब में मैच स्टार्ट होता हुआ आईसीसी अकेडमी दुबई के वेन्यूज़ पर ये मैच देखने को मिलेंगे, जिसका एवरेज स्कोर और हम रिसेंट फॉर्म बेसिस पे देखें तो गाइज आपको 150 से 110 के आसपास में आपको ये रिसेंट मुकाबले में एवरेज स्कोर आपको दिखेंगे। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की बात करें गाइज तो यहाँ पे गाइज जो FES की टीम है ना, देखो 5 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, 2 इनका नो रिजल्ट था। वही अगर आप यहाँ पे GD की टीम देखो तो 4 मैचों में 3 जीते हैं और 1 इन्होंने हारे हैं मैच अपने। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टीम आपको FES के ही दिखेंगे, प्लस पॉइंट्स में रन रेट भी आपको थोड़ी बेहतर आपको इनसे देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पर इनके सबसे पहले प्लेयर स्टार्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखोगे तो इस वेन्यूज़ पे खेले गए टोटल 35 मुकाबले में बैटिंग फर्स्ट करने वाले टीम ने 23 बार विन के बैटिंग, सेकेंड विन करने वाले टीम 12 बार थी। फर्स्टिंग बैटिंग एवरेज स्कोर 147 का, हाईस्ट स्कोर अफगानिस्तान के टीम के 189 पे 5 विकेट, लोएस्ट स्कोर UAE की टीम दिखेंगी जो 73 पे आपको 10 विकेट इस वेन्यूज़ पर नजर आएंगे। बाकी जो पिच कंडीशन है पूरी तरह से बैलेंस है, थोड़ी सी पेसर्स को अच्छे विकेट्स मिले, बैटिंग के लिए भी पिच अच्छा रहेगा, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना। और हमारे टेलीग्राम से जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा फाइनल अपडेटेड टीम्स के लिए। जो भी ग्रैंड लीग स्मॉलेस्ट की टीम्स होती हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो FES के टीम है, देखो इनके टीम की ओर से यहाँ पर सेंटिल नजर आएंगे जिसमें ये ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। ओवरऑल के 7 मैचों में टोटल 224 रन जिसमें 44 का औसत है, रिसेंट मैचों में 63, 37, 40 और 37 जिसमें बैटिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म और ये ओपनिंग ही आते हैं जो कि 30+ आप बैटिंग से आप इन पर रन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी एज अ प्लेयर हम यहाँ से हम इनको पिक करके जाएंगे, एज अ प्लेयर के लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, आप CBC भी ग्रैंड लिस्ट मिनी GL टीम्स में आप इन्हें कर सकते हो। इनके अलावा गाइज यहाँ पर जो याशिता दिखेंगे ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और राइट में फास्ट बॉलिंग जिसमें पार्ट टाइम ये बॉलिंग कराते हैं। लास्ट मैचों में 11/66 से पहले 55 का स्कोर भी गेटलेस थे जिसमें 3 ही ओवर्स के बॉलिंग था। इससे पहले के भी कुछ यहाँ पर मैचेस देखोगे तो थोड़ी अर्थ तक और ज़्यादा इनमें है, जो रिसेंट फॉर्म बेसिस पे देखो 2 मुकाबले मरसद तक है तो बैटिंग से काफ़ी बेहतरीन टच में चले। आप एज अ प्लेयर इनको यहाँ से रखो और आप CBC भी ग्रैंड लिस्ट मिनी GL टीम्स में इनको भी करके जा सकते हो। बाकी यहाँ पर जगह जो कृष्णा चंद्रन दिखेंगे, राइट हैंडर बैट्समैन और राइट मीडियम बॉलिंग है, इनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही दिखेंगे। अब रिसेंट फॉर्म, लास्ट मैचों में 14 का स्कोर, 2 विकेट से पहले विकेटलेस, 1 विकेट 1 विकेट 33+1 विकेट, तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अच्छा है। आप एज अ प्लेयर इनको रख सकते हैं स्मॉलेस्ट टीम्स में, खास करके एज अ प्लेयर ही रखें, और GL वगैरह में आप इन्हें CBC भी करके चाहो तो जा सकते हो। उस्मान मुश्ताक टीम की कैप्टनसी करे, फर्स्ट मैच थोड़ा अच्छा गया था, बाकी के रिसेंट 2 मैचों में 1 ओवर सिर्फ 3 ही रन का स्कोर था। ओवरऑल के 22 मैचेस टोटल 531 रन, 29 के एवरेज जिसमें 9 विकेट थे, बॉलिंग भी पार्ट टाइम दिखेंगे। और आप यहां से अगर ये खेल भी रहे तो अभी हम इन्हें GL टीम्स में ही रखना चाहेंगे। कृष्णा कुमार लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, लास्ट मैचों में 9 का स्कोर, इससे पहले गए 3 विकेट 2 रन का स्कोर, ओवर्स भी इनकी कट रहे हैं, किसी मैच में बॉलिंग रहा है किसी मैच में नहीं भी रहा है। इससे पहले के भी कुछ यहाँ पर मुकाबले देखोगे तो ज़्यादातर मैचेस में ये फ्लॉप ही रहते हैं, तो मेरे रिकमेंड से ज़्यादा सही रहेंगे कि आप इन्हें ग्रैंड लिस्ट टीम्स में रखो। साथ ही अगर हम यहाँ पे रसोल की अगर हम बात करेंगे तो गाइज ये राइट हैंडर बैट्समैन, रिसेंट मैचों में 11 का स्कोर, विकेटलेस, वो भी 1 ही ओवर्स की बॉलिंग, इससे पहले ये डक पर आउट भी होते, 2 विकेट 4 ओवर्स के बॉलिंग, इससे पहले ये विकेटलेस थे।
अगर आपको ट्रम्प प्लेयर से ज़्यादा रिस्क लेना हो तो ग्रैंडिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें मैच में चलेंगे आपको वन साइडेडली क्लीन स्वीप करा कर देंगे। एज अ रिस्क रहेंगे तो अभी हम इन्हें जीएल टीम्स में रखना पसंद करेंगे। बाकी यहाँ पर गए जो मोहम्मद उजैर की बात करेंगे, लास्ट एक ही मैच के लिए जहाँ पे 3 विकेट 4 ओवर्स के बॉलिंग था। इससे पहले कुछ यहाँ पर टी टेन सिंह का फॉर्म था, हालांकि T20s के अंदर इनकी ओवर्स पूरे मिल रहे हैं, रिसेंट मुकाबले में अच्छा टच में चले, ये लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं और इस मैच के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में रखो जो पूरी तरह से डेथ में भी ओवर डाले थे, तो एज अ प्लेयर इनको रखना चाहो तो ज़रूर से रखना। बाकी यहाँ पर गए जो समीम अली दिखेंगे, राइट में फास्ट बॉलिंग है, लास्ट मैच में विकेट लेस थे, इससे पहले के भी मैचेस में देखोगे तो कुछ खास अच्छा रोल इनका नहीं दिखेगा, तो यहाँ से भी हम इन्हें ग्रैंड लिस्ट टीम्स में रखेंगे। बाकी गए यहाँ पर देखो नवीन को तो पूरे फालतू ऑप्शन है, ना तो बैटिंग कर रहे हैं ना तो बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग भी देखोगे तो 8 से 9 नंबर पे, तो अभी इनको ड्रॉप करना। यहाँ पर अमीन जो नज़र आएंगे लेफ्ट में ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, रिसेंट लास्ट मैच में 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट विकेटलेस 2 विकेट थे, पूरी ओवर्स करा रहे, तो आप यहाँ से अमीन के साथ हो। साथ ही साथ अगर आप मोहम्मद के साथ भी जाना चाहो तो ये टीम्स के अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। एक एवरेज विकेट टेकर से जो 1 से 2 विकेट तो इस मैच में इनका रहेगा ही, आप एज अ प्लेयर यहाँ पर चाहो तो मोहम्मद के साथ भी जाना तो ऑलमोस्ट आप ट्राई जरूर से कीजिएगा। बाकी के इनके बेंच ऑप्शंस में से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे, इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स इन्फॉर्मेशन में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करेंगे। इनमें से कोई भी प्लेयर यहाँ से अगर खेलता है तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फाइनल टीम्स के लिए, जो भी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की जो भी हमारी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम्स होंगी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो जीईडी की टीम है, अब इनके टीम की ओर से यहाँ पर शहीद हमजा नजर आएंगे, जो लास्ट मैच में 28 से पहले 20 रन का स्कोर था, इससे पहले कि इनकी मुझे स्टार्ट्स नहीं मिला। हालांकि दोस्तों जो बैटिंग ऑप्शन है वो अच्छा है, अगर पहले इनकी टीम बैटिंग कराएंगे तो ज़रूर से आप रखो। साथ ही अगर आप मोहम्मद अनवर देखोगे तो राइट हैंडर बैट्समैन जिसमें राइट मीडियम पार्टिंग बॉलिंग है, लास्ट मैचों में 1 विकेट था इससे पहले 36 का स्कोर, और इससे पहले ही कुछ यहाँ पर डोमेस्टिक T20s और T10 मैचेस खेले गए जहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही आपको अच्छी दिखेंगे, तो आप अनवर के साथ जाओ। जीएल वगैरह खेलना तो वहाँ पर आप इन्हें ट्रम्प प्लेयर्स से कैप्टन जरूर से ट्राई करना। नोड अजीज़ रिसेंट मैचों में 13-76 से पहले 20 का स्कोर था, ये राइट हैंडर बैट्समैन और ऑफ स्पिन बॉलिंग है, ग्रैंडिस के लिए मोस्ट ऑफ द अच्छे ऑप्शन है। अगर यहाँ पर निक मोहम्मद की बात करेंगे तो लास्ट मैचों में 30 से पहले सिर्फ 5 ही रन का स्कोर था, और यहाँ से इन दोनों में से किसी एक बैटिंग को टीम्स में हम रिस्क लेकर जाएंगे। मोहम्मद सलेमान राइट लेफ्ट मीडियम बॉलिंग है, रिसेंट लास्ट मैचों में 61 से पहले 12 उसके बाद 25 का स्कोर था, हालांकि उससे पहले के भी खेले गए मैचों में 1 विकेट विकेटलेस 20 प्लस स्कोर उसके बाद 30, 46 और 43 का स्कोर था। अगर आपको रिस्क लेना हो तो टीम्स में इनको भी यहाँ से पिक करके जा सकते हो, पर मेरे सजेशन से यहाँ पे अली टिप्पू सुल्तान ये बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें लेफ्ट हैंडर बैट्समैन और राइट मीडियम बॉलिंग है, लास्ट मैच में 18 का स्कोर विकेटलेस 2 ओवर्स के बॉलिंग से पहले 1 विकेट है। आपकी मर्जी, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो आप यहाँ पर टिप्पू सुल्तान के साथ भी जा सकते हैं, या फिर मोहम्मद सलमान को भी रख सकते हैं, मतलब इन दोनों में से हम किसी एक ही को रखेंगे। तैमूर अली का उतना बैटिंग अच्छा है नहीं, लास्ट मैचों में 11 इससे पहले गए 12 उसके बाद 65 का स्टार्टिंग मैचों में स्कोर था, तो ये वही चीज़ है कि सामने वाली टीम थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखी है, तो उस सिचुएशन में इनको बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे ग्रैंड लिस्ट टीम्स में रखना पसंद करेंगे। इनके अलावा गए यहाँ पे जो जफर राजा जो दो ओवर वो जफर राजा से, तो उसमें से ये दूसरे ऑप्शन है, जिसमें गए अगर आप देखो तो लेग ब्रेकर बॉलिंग है, लास्ट मैचों में 1 विकेट से पहले 1 विकेट ही थे, 11 मैचों में सिर्फ इनको 9 ही विकेट मिल पाए थे। ज़्यादातर ये मोस्ट ऑफ द ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर गए जो विनी दिखेंगे ना, देखो 9 मैचों में 11 विकेट मिले, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट विकेटलेस थे। अगर आपको बॉलिंग ऑप्शन से रिस्क लेना हो तो यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे। बाकी जो टीम के मेन बॉलिंग आपको हजरत बिलाल दिखेंगे, 71 मैचों में 98 विकेट, राइट मीडियम बॉलिंग है, लास्ट मैचेस फ्लॉप थे इससे पहले 3 विकेट विकेटलेस थे, और आप इनके साथ ही जाओ। बाकी यहाँ पर गए जो शाहिद नवाज दिखेंगे, राइट मीडियम बॉलिंग है, लास्ट मैच में ये भी फ्लॉप थे, विकेटलेस 1 विकेट, बहुत सारे मैच इनके भी फ्लॉप जा रहे, पर हजरत बिलाल एक बेस्ट चॉइस रहेंगे, अभी आप इनके साथ ही जाओ। बेंच ऑप्शंस में से इनमें से जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे, इनके सभी प्लेयर्स का अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितने लोग भी टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े ज्वाइन कर लेना। बाकी बात करेंगे अपनी स्मॉलेस्ट टीम्स कॉम्बिनेशन के बारे में, गाइस देखो मैंने ऑलरेडी ये पूरी रिसर्च बेसिस पे टीम क्रिएट करके रखे, जहाँ पे FES के हमने 6 प्लेयर्स और GED के 5 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन जो आपको दिखेंगे वो सेम है, स्मॉलिक्स में ज़्यादातर हम इस मैच को इन्वेस्टमेंट हेड टू हेड में करेंगे इस टीम को, हेड टू हेड और 3 मेंबर से आधे के लिए टीम है नहीं, तो कोशिश करना कि 3 से हेड टू हेड मेंबर ही खेलें। बाकी इस मैच में कृष्णा चंद्रन कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस है, 1% लोग इनको कैप्टन कर रहे हैं। देखो वाइस कप्तान के जो ऑप्शन हैं यहाँ पर, अगर आप चाहो तो टीपू सुल्तान के साथ ऐसा रिस्क ले सकते हैं, जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अच्छी आपको नजर आएंगे, मतलब आपको रिस्क लेना हो तो एज अ सेफ आपके पास वाइस कप्तान के लिए
कृष्णा कुमार के साथ ही जाना, जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अच्छी है। सेम टीम्स के साथ इन्वेस्टमेंट करें। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने लोग भी टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और बात करेंगे। जो भी हमारी फाइनल टीम्स होंगी टेलीग्राम पर ही आपको मिलेंगे।